जय गुरुदेव, आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग फॉर जूनियर्स के 50वें सेशन में। गुरुदेव की कृपा से हमारे सेशन 50 हो गया है, हमने हाफ सेंचुरी मार ली है। तो हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बारे के अति बहुमूल्य वरदान सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ 2 बार सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का 2400 घंटे अराउंड द क्लॉक मानसिक जप करना होता है। तो ये सरल तरीका बच्चों के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सिद्ध योग को निरंतर करने से बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इंप्रूव हो जाती है और बच्चे जो भी अपना स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं वो भी करते हैं और बच्चों के शरीर में जो भी समस्या होती है उसे मात्र शक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग करवा के सही कर देती है। तो अभी कोई बच्चा आगे आके ध्यान की विधि बताना चाहे तो अपना हैंड रेस करें और सबको बताएं। जय गुरुदेव। पिंकी सुथार की जो आईडी से बच्चे हैं वो अपना माइक अनम्यूट करें और सबको बताएं। अच्छा, कोई आना नहीं चाहता है तो मैं खुद बता देती हूँ। हमें गुरुदेव की तस्वीर को 1 मिनट देखना रहता है। फिर अपनी आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना करनी होती है कि हे गुरुदेव, 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान स्थिर करा दीजिए और गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का उन 15 मिनट में हमें मानसिक जप करनी होती है और गुरुदेव की तस्वीर को जहाँ हम तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां हमको स्मरण करना होता है और उन 15 मिनट में हमें सिर्फ गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है और उन 15 मिनट में हमें कोई भी योगिक क्रियाएं हो सकती है, जैसे कि हमारे शरीर का आगे पीछे जाना, गर्दन का हिलना और आपको आज्ञा चक्र पे किसी प्रकाश को देखना, तो आप घबराइएगा मत। तो हम अभी गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र को सुनते हैं, फिर 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। जय गुरुदेव। अच्छा, अब ध्यान करो भाई, 15 मिनट यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। अभी 1 मिनट के लिए गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन करती हूँ, फिर हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे।
सभी बच्चे गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ, सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बच्चों, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग जूनियर सेशन में। अभी हमने 15 मिनट का ध्यान किया है। ध्यान के दौरान जो भी आप लोगों को अनुभूतियां, चाहे जो भी आपको यौगिक क्रियाएं हुई हो, उसका कृपया आप मंच पे वर्णन करें। कौन आ रहा पहले, सबसे अपनी अनुभूतियों को लेकर के। अनिल जी की आईडी से बच्चे जुड़े हैं। अनिल जी की आईडी से दो एक। हाँ जी, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, आप सभी का स्वागत है। जी बोलिए बेटा। आज मुझे ध्यान में ना ब्लू प्रकाश दिखा, ब्लू प्रकाश पूरी ब्लू था और ना सूर्य देवता थे, उनकी रोशनी इतनी तेज थी जिससे मेरी आंखें जलने लग गई। फिर गुरुदेव आए, गुरुदेव मेरे को फिर जोधपुर आश्रम में ले गए, फिर वहाँ बेटा ने ध्यान करवाया। फिर ध्यान करने के बाद मुझे है ना खाना भी खिलाया। वाह 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 वाह, आपको ब्लू प्रकाश दिखा है। हाँ। ब्लू प्रकाश के साथ साथ आपको सूर्य का प्रकाश भी दिखा है। हाँ। और गुरुदेव आपको आश्रम पे ले गए और आपको प्रसादी भी मिली, आपको प्रसाद भी मिला है। खाना किसके साथ आप बैठ के खाए हो बेटा? गुरुदेव ने अपने हाथों से खिलाया मेरे को। अरे बाप रे बाप, भाई बाप, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। गुरुदेव ने आपको अपने हाथों से खाना खिलाया, वाह, अपना जीवन ही धन्य हो गया आपका तो, बहुत अच्छे। और कुछ बताइए। और है ना पिछले संडे का अनुभव है, जब वो गुरुदेव कल के अवतार के रूप में है ना घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, और फिर है ना मेरे को समाधि स्थल पे बैठा दिया और उन्होंने समाधि ले ली और मेरा ध्यान लग गया। और ध्यान के बाद जब मैंने खोली आंखें तो गुरुदेव समाधि ले ली थी उन्होंने। आपको समाधि स्थल पे बैठा दिया था गुरुदेव ने? समाधि स्थल पास में, समाधि स्थल के पास में, और गुरुदेव ने समाधि ले ली। हाँ, मैं ध्यान कर रही थी, फिर गुरुदेव ने समाधि ले ली, मैं उठी जब तो गुरुदेव थे ही नहीं। बेटा ये कब की बात है? अब आप ध्यान कब, ध्यान के दौरान आपको कब अनुभव हुआ था? अगले संडे। अच्छा, पिछले संडे की बात। हाँ। पिछले संडे शाम को आपने ध्यान किया था क्या? शाम को नहीं, सुबह सुबह मैं प्रचार करने चली गई थी ना। अच्छा अच्छा, आप लोग पिछले संडे नहीं थे। और मुझे रात को एक सपना आया है ना, मैं सो रही थी और है ना गुरुदेव बोले बेटा उठो, फिर मैं उठ के देखूं तो फिर कोई भी नहीं, फिर वापस से सो जाऊं तो फिर वापस से गुरुदेव आया, गुरुदेव बोले उठो, फिर वापस से मैं सो जाऊं, फिर मैंने लास्ट में आंख खोल के रखी, जब है ना फिर गुरुदेव आए और मुझे है ना मुझे बिठाया और बोले ये चलो ध्यान करो। वाह वाह, गुरुदेव बस एक ही चीज कहते हैं, हमें ध्यान करना है, नाम जपना है, ध्यान करो नाम जपो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय, बहुत बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। है ना आज मुझे है ना ओम लिखा है ना चमकीला गंगे नाथ की यहाँ पे होता है ना। हाँ हाँ, वो वैसा ओम लिखा सेम टू सेम। अरे बाप भाई, कहाँ दिखा आपको? माथे पे दिखा है? ध्यान में दिखा है।
दुकान पे दिखा तो ओम कहाँ दिखा लिखा हुआ? आगे चक्र पे। आपके आगे चक्र पे आपने ओम देखा है बाबा? बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग धन्य हो भाई, धन्य। जय गुरुदेव। कन्हैया जी जय गुरुदेव। मैं बाबा बाबा उठाए जाए। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बताया जाए। नहीं ये बोला है ना, मैं सो रहा था, गुरुदेव बोले उठ जा चाय पी ले, चाय पी ले। तो आपने चाय पी? चाय पी गुरुदेव के साथ आपने? गुरुदेव ने आपके साथ चाय पी है क्या? कितनी बार पिए हैं चाय? एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सुबह की चाय गुरुदेव ने आपको पिला दी है, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं अभी? गुरुदेव ने बिस्किट भी खिलाए। अच्छा अच्छा, गुरुदेव ने बिस्किट भी खिलाए, वाह भाई वाह। जोर से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप दीर्घायु हो गुरुदेव। क्या बोल रहे हैं अभी? जय दादा गुरुदेव। अच्छा, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। दादा गुरुदेव और गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रहे, आप दीर्घायु हो। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। आप लोगों को बहुत बहुत, आप लोगों के ऊपर गुरुदेव की विशेष कृपा ऐसे ही बनी रहे, गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना है। रुचिका जी की आईडी से कौन आ रहा है सामने, कृपया मंच को साझा करें, मंच पे पधारें, मंच की शोभा बढ़ाएं। रुचिका जी जय गुरुदेव, अपना कैमरा भी ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगी। बोलिए बोलिए, आप पिछले सप्ताह तो की तो थी, आप बोलती बहुत बढ़िया है, बोलिए। हाँ मैं ना ध्यान कर रही थी, तो मतलब जैसे ही ध्यान शुरुआत, जैसे ही आज्ञा चक्र में मतलब फोकस होने लगा, तो मतलब एकदम से अंदर खूब सारा वाइट सा प्रकाश ही दिखा, और कुछ नहीं, बस मतलब कोई नाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, बस ओनली प्रकाश, ओनली प्रकाश दिखा आज आपको, बहुत बढ़िया। आपको तो आकाश तत्व का अनुभव हो गया ना, वाइट प्रकाश आकाश तत्व का वो है, नीला तो पृथ्वी का है। और कुछ दिखा बिटिया आपको? अच्छा, पिछले सप्ताह से आज तक, मतलब लास्ट संडे से पिछले सप्ताह आपने डेली ध्यान किया होगा, तो उस एक सप्ताह का कोई अनुभव आप साझा कर सकती हैं? अंकल अनुभव तो खूब है, जैसे मतलब ध्यान में बैठते ही अजीब अजीब से, मतलब जैसे चक्र होते हैं ना, चक्कर, तो मतलब एक चक्र होता है बनाया ना बेटा, आप लोगों की अनुभूतियों के लिए ये मंच बना है ना। और सप्ताह में एक प्रोग्राम आता है, हम तो सारे बच्चों से कहते हैं कि पिछले सप्ताह जितना भी आपको अनुभव हुआ, अनुभूतियां हुई, जो भी दर्शन हुआ ध्यान के दौरान, कृपया मंच पे शेयर करें। हाँ हाँ, आप बताइए प्लीज। हाँ तो मतलब जैसे वो बीच में एक मतलब पता नहीं अजीब सा, जैसे सुदर्शन चक्र होता ना, वैसा चक्र जैसा कुछ था, और उसके चारों ओर खूब सारे मतलब ग्रह घूम रहे थे। और मतलब जैसे गुरुदेव है, तो कभी गुरुदेव प्रकाश में बदल जाते, फिर वो प्रकाश खूब सारा फैलता, फिर वो प्रकाश फिर एक बिंदु में बदलता, और फिर गुरुदेव में बदल जाता। गुरुदेव कितने कृपालु हैं कि बच्चों को
पूरे ब्रह्मांड की सैर करा देते हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा। बहुत अच्छा, आप लोगों की अनुभूतियों को सुनकर के तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चों को कितनी कृपा रखते हैं, कितना कितनी दया दृष्टि रखते हैं गुरुदेव। हाँ अंकल बिल्कुल, मतलब दिन में तो ओनली मतलब ध्यान चलता ही रहता है, और मतलब जैसे ऊर्जा थोड़ी हाई रहती है ना, तो मतलब फिर ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते। बात ही नहीं होता बेटा, एक बार अब तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप बस समर्पित भाव से जुड़ जाओ 10-15 दिन, उसके बाद तो फिर मैं सब संभाल लूंगा। बस समर्पण का भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं मुझे मतलब प्रेम से, भक्ति से, भय से, विश्वास से पाया जा सकता। बिल्कुल, भक्ति से झुक करके, अंदर से झुक करके। एक बार की बात है, मैं आश्रम पे गया था, अपना बता रहा हूँ आपको, सारे बच्चे सुने इसको। गुरुदेव से ऐसे पर्सनली मिला तो मैं गुरुदेव से बोला, गुरुदेव बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे इस भक्त इस सेवक पर। तो गुरुदेव ने अगले ही पल क्या बोला, बेटा अपने गुरु के प्रति सद्भाव बनाए रखना, चाहे किसी कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, आपका ये सद्भाव कभी अडिग डगमग नहीं होना चाहिए। आप अपने सद्भाव पे हमेशा अडिग रहना। जीवन में समस्याएं आएंगी जाएगी, लेकिन गुरु के प्रति आपका सद्भाव कमजोर नहीं होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं ना कि नाम जपो तेल की धार की तरह। हाँ बिल्कुल, और धारणा पक्की होगी तो ही ध्यान लगेगा। काफी गुरु भाई गुरु बहनों का ज्यादातर यही प्रश्न रहता कि ध्यान नहीं लगता, तो मतलब यही है कि धारणा पक्की होगी, विश्वास होगा तो ही ध्यान लगेगा। और काफी का तो ये भी होता कि मतलब हमें बीमारी है वो है ठीक नहीं हो रही, तो यही है कि सबसे बड़ी मतलब परेशानी यही है, बीमारी शिष्य और गुरु के बीच में समस्याएं। तो मतलब ये तो मतलब जैसे जैसे मंत्र जपेंगे कुंडली माता ऊपर मतलब बढ़ेगी, तो वो अपना अपने आप क्लियर करेगी रास्ता, तो अपने आप बीमारी ठीक होगी। मतलब हमें ये सब सोचना ही नहीं है क्योंकि गुरुदेव सब कुछ कर रहे हैं। गुरुदेव तो साफ करते हैं कि आप नाम जपो ध्यान करो, बाकी का काम मेरा, आगे की ड्यूटी गुरु की। हम उतना ही नहीं कर पाते, नाम ही नहीं जप पाते बराबर, ध्यान नहीं कर पाते रेगुलर। ध्यान में बैठे तो पता चला कि दिमाग कहीं और भाग रहा है, दिमाग दुकान पे है, दिमाग बिजनेस में है, दिमाग व्यापार में है, दिमाग जॉब में लगा हुआ है कि ऐसा होगा तो मेरा मालिक क्या करेगा, यही सब मतलब दिमाग की उलझन हमेशा चलती रहती है। नाम तो आदमी जपता नहीं, इतना एडवांस जमाना है, पहले तो लोग समझ नहीं पाते कि चीज है क्या, और जब समझते हैं तो बहुत देर हो जाती है। और गुरुदेव ने तो बोला कि मैं तो युवाओं को क्रियात्मक बदलाव में लाना चाहता हूँ, युवाओं में, क्योंकि वही तो देश के कर्णधार है, वही तो देश के आगे, उन्हीं के हाथ में देश चलने वाला, उन्हीं के वही देश चलाने वाले। देश की युवा ही जब सशक्त नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, फिर देश कैसे मजबूत होगा। गुरुदेव इतना तक सोचते हैं कि मेरा देश मजबूत हो युवाओं के माध्यम से, तो युवाओं में क्रियात्मक बदलाव लाना चाहते हैं गुरुदेव, लेकिन युवाओं कितना है सुनते नहीं लोग। हमारा प्रयास है कि वो बदलाव, अब आप लोगों के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं, देखिए हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं। गुरुदेव का आदेश तो हमें जीवन भर मानना ही पड़ेगा। और कुछ आप शेयर करें बेटा? बिल्कुल, मतलब कमी तो शिष्य के अंदर ही होती है हमेशा, गुरु तो सब कुछ देता है, और गुरु तो हमेशा से अंदर से शिष्य को ऐसे मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर से तैयार करते हैं। और अभी तो जो भी शिष्य प्रचार करने निकलेंगे वो तो मतलब इतनी तैयारी के साथ निकलेंगे कि मतलब एक प्रश्न है जो मतलब इस दुनिया से मतलब खत्म हो गया वो भी जल्दी पता चल जाएगा। और मतलब गुरुदेव हर
तरह से सहने की ताकत देते, हर तरह से शिष्य को तैयार करते हैं, पर शिष्य ऐसे मतलब नहीं कर पाते जैसे उन्हें तैयार होना चाहिए, नहीं हो पाते। सही बोल, शिष्य में ही कमी है, गुरु तो पूर्ण है, गुरु में कोई कमी नहीं है। अगर गुरु में समर्थ, गुरु का मतलब ही होता है कि वो पूर्ण है, उसमें कहीं दोष नहीं। ईश्वर का रूप तभी उसको मिला है, जब वो परिपूर्ण हो जाता है तब वो ईश्वर के रूप में बदलता है। कमी शिष्य में रहती है, आए दिन की मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहा। अरे आप नाम जपो, ध्यान करते रहो, भूल जाओ, समस्याएं तो बहुत आएगी जाएगी, लेकिन यहाँ तो ये है कि बस आज ही बैठे, बस आज ही सारा कुछ मिल जाना चाहिए। साधना का मतलब ये नहीं कि मतलब आप 15 मिनट में सब कुछ, उसके लिए आपको समर्पण रखना है, आपका भाव कैसा है। मुख में राम, बगल में छुरी नहीं चलेगी, यही है। बाकी गुरुदेव की लीला पर पार है, गुरुदेव जाने, हमारा तो काम है उनके चरणों की सेवा करना। और कुछ आप बताना? मतलब कुछ साधक तो मतलब अध्यात्म में भी अपनी होशियारी चलाते हैं, कुछ करते हैं, बट मतलब भौतिक जगत में अपनी होशियारी चलाओ कौन रोकता, बट अध्यात्म में थोड़ी चलेगी, अध्यात्म में किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ गुरु की चलेगी। चलती नहीं यहाँ पे, चलाकी चलती नहीं, सुनवाई नहीं होगी आपकी, या तो इनोसेंट लोगों का बोलबाला है। जितना आदमी सरल होगा उतना आपको उतना ही जल्दी मिलता है। जितना अंदर से आदमी सरल होगा उसको उतना जल्दी मिलता है। गुरुदेव कई बार उदाहरण भी देते थे कि एक पंडित जी थे बॉम्बे में, वो तो आए मेरे प्रोग्राम में दीक्षा लिए और सोचे कि अपने बहू बेटो सबको जोड़ दूं, बॉम्बे में तो रुपया राम है भाई, वहां पे तो राम नाम का कोई मतलब ही नहीं। तो गुरु जी एक दिन आए तो बोलते हैं कि गुरुदेव मैं तो जोर जोर से जपता हूँ, कहीं इसमें कोई दोस्त तो नहीं है, कोई सुन लेगा तो कोई दोस्त तो नहीं है। गुरुदेव ने बोला कि पंडित जी ऐसा है, ये चलाकी नहीं चलेगी, इसमें इस रास्ते पे चलाकी नहीं चलेगी, आप उस नाम को जब भी जबरदस्ती किसी को थोपिए मत, आता है नहीं आता उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें वो चलाकी नहीं चलती कि मैं जोर जोर से जपूंगा तो मेरे घर वाले सुन लेंगे मंत्र को तो भी जपने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गुरुदेव अपने आप बदलते हैं सबको, एक घर में एक सदस्य अगर जुड़ गया तो धीरे 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 गुरुदेव सबको जोड़ लेते हैं, समय लगता है। धीरज रखना चाहिए शिष्य को कि मैं जुड़ा हूं तो मेरे परिवार में लोग जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपने सबको जारी रखिए, गुरुदेव अपने आप सबको जोड़ लेंगे। हाँ, खोज तो गुरु शिष्य की करता, शिष्य कभी गुरु की खोज नहीं करते, और अगर गुरु शिष्य का हाथ पकड़ेंगे ना तो वो कभी नहीं छूटेगा, और अगर शिष्य पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी छूट सकता है। हमारे गुरुदेव तो बहुत समर्थ है, हम तो कल्पना तक नहीं कर सकते। अब गुरुदेव ने कहा आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, तो अभी वो कर रही है। गुरुदेव ने कहा आगे आने वाले समय में मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, तो अभी वो कर रही है। काफी कट दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन पूर्ण होने वाला है, काफी साधक मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर काम चल रहा है हर साधक का, और अब साधक अपने चरम लक्ष्य पर पहुंच गए काफी साधक। तो बस अभी सभी साधक गुरुदेव से यही प्रार्थना करे कि पूरी मानव जाति का कल्याण करे, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं क्या होने वाला है, हमें तो अंदाज भी नहीं है क्या होने वाला है। और माँ शांत है तब तक वो सब है, धरती माता शांत है तब तक सब कुछ है,
अगर मतलब क्योंकि वहां पर तो बहुत ही पाप बढ़ गया, पता नहीं कितने युग से उस पर पाप है, पता नहीं। वो तो गुरु से प्रार्थना कर रही कि अब मेरा भी उद्धार करो, अब मैं नहीं सह पाऊंगी अब और। देखिए दिव्य शरीर का मतलब क्या है कि आप जैसे बच्चों का गुरुदेव दिव्य रूपांतरण करके सूक्ष्म शरीर की यात्रा पूरे ब्रह्मांड की कराते हैं, यही दिव्य शरीर है, यही दिव्य रूपांतरण। जब छोटे से बच्चे का कायाकल्प हो गया, गुरुदेव ने शरण में ले लिया और ब्रह्मांड की यात्रा करा रहे, वही रूपांतर सारा बदल गया ना सब। हम तो चाह करके भी कुछ हाँ। नहीं कर सकते, गुरु तो करवा रहे। दिव्य रूपांतरण का मतलब यही है कि गुरुदेव छोटे से बच्चों से शुरुआत करते हैं। अब आपका शरीर तो रूपांतरित हो गया, अब आपको करना क्या है, बस नाम जपना, ध्यान करना सुबह शाम। जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। किसी के जीवन में समस्या नहीं है, भौतिक जीवन में जीना है तो समस्याओं से तो आदान, समस्याओं का तो आदान प्रदान चलता रहता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तो ये तो चलता रहता है। कोई और बच्चा अपनी अनुभूति लेकर के सामने आना चाहेगा तो स्वागत है। रुचिका जी आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकती हैं। कोई और बच्चा है कि नहीं? अच्छा दो ही बच्चे थे बाबूजी, उनका हो गया। चलिए फिर बच्चों का टैलेंट देख लेते हैं, 5 मिनट का समय भी हो जाएगा। राघव नहीं आ रहे आज तो, उदित प्रकाश जी का भी परिवार नहीं, बच्चे नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दो ही लोग कर रहे हैं। हाँ जी अनिल जी के आईडी से बच्चों ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है, टैलेंट को लाइए सामने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा श्री गंगानाथ जी, जय श्री बाबा गंगानाथ जी। जी जी। तीन लोग आत्मा और परमात्मा के यथार्थ निवास के की पहचान तीन लोग के ज्ञान द्वारा होती है। एक संकार साकार मनुष्य लोग जिसमें 5 तत्वों का शरीर धारण कर आत्माएं कर्म करती है और उसके उसके फल स्वरूप सुख व दुख भौतिक है। दूसरा समुक्त देव लोग सूर्य चंद्रमा एवं तारागण से प्राप्त समुक्त लोक के लोक में चारों ओर दिव्य प्रकाश है जहां ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के धाम है। तीसरा ब्रह्म लोक मुक्ति धाम शक्ति धाम ब्रह्म धाम के नाम से प्रत्येक इस लोक में स्वर्ग स्वर्ग सुनहरा लाल प्रकाश विवरण है। यही आत्माओं और परमात्माओं का असली निवास स्थान है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कोई संदेह नहीं बेटा, जो आपने कहा है 100% वो कटु सत्य है। और आत्मा और परमात्मा का निवास तो गुरुदेव ने बच्चों के माध्यम से आए दिन दिखाई रहे। आप लोगों कहाँ कहाँ की सैर करवाते हैं, गुरुदेव अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, किसी को ब्रह्मांड की सैर कराते हैं, कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं। यही है आत्मा और परमात्मा का मिलन और दिव्य देह का रूपांतरण, तो यही है। आप लोगों के माध्यम से बच्चों को गुरुदेव ने ऐसे ही तैयार किया है। अब आप लोग सारे रूपांतरित हो चुके हो, ये नहीं कि मतलब आप लोग साधारण बच्चे हो। आप लोगों की तो मतलब वो जीवन शैली इतनी ऊंची कोटि की होने वाली है ना कि आप देखिए आपके जीवन में क्या क्या मतलब आप सोचोगे और काम हो जाएगा। इतनी कृपा होती है बच्चों बच्चों पे गुरुदेव की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय।
रुचिका बेटा आपका कोई टैलेंट वगैरह है? हाँ, मैं एक छोटी सी गुरु वंदना गाना चाहती हूँ। गुरुदेव हमें अपने चरणों में बसा लेना, अज्ञानी है हम, खल है हम, जीवन को सजा देना। तुम मात पिता मेरे, तुम्ही हो मेरे दाता, तुम तो जीवन मेरे, इतना गहरा नाता। तन मन तुझे पर अर्पण, मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव हमें अपने चरणों में बसा लेना। निकले हो अकेले तुम इस जग को जगाने को, लगा ध्यान जमाने का, हर दम तुझे पाने का। मुझको भी अब स्वामी निद्रा से जगा लेना। गुरुदेव हमें अपने चरणों में बसा लेना। जब तक मैं रहूं गुरुवर, तेरा साया ही पाऊं, रहूं दूर ना एक पल भी, तुझ में बस जाऊं। कल की के ओ अवतारी, आशा को सजा लेना। गुरुदेव हमें अपने चरणों में बसा लेना। गुरुदेव हमें अपने चरणों में बसा लेना। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये भाव देखिए, गुरुदेव की शिष्य के अंदर ही ऐसे भाव आ सकते हैं। एक साधारण मनुष्य के अंदर ऐसा भाव गुरु के प्रति नहीं आ सकता। जो जुड़ता है ना, हम तो कहते हैं ना कि ये तो गूंगे का गुड़ है, जो खाएगा उसी को समझ में आएगा गुरुदेव आए क्या। और मैं तो बार बार कहता हूं कि हम इतने किस्मत वाले हैं, आप लोग इतने किस्मत वाले हैं कि हम गुरु सियाग सिद्ध योग से जुड़े हैं, गुरुदेव सियाग से जुड़े हैं। वो हमारे गुरु हैं, गुरुदेव सियाग हमारे गुरु हैं, इतने किस्मत वाले। क्योंकि समर्थ गुरु का मिलना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। गुरुदेव कहते हैं गुरु तो इस देश में इतने हैं कि कंकड़ मारो तो गुरुदेव गुरु के ऊपर ही गिरेगा, लेकिन उसमें समर्थ कौन है उसको आपको ढूंढना है। और हमें तो बिना ढूंढे समर्थ गुरु मिले, इसलिए मैं बोलता हूं कि हम किस्मत वाले। अनिल जी की आईडी से बच्चों ने हैंडरेज किया है, स्वागत है आपका। आइए पधारिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज कोई नहीं, मैं भी एक भजन सुना दूं। यस यस, स्वागत है। इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो आप लोगों का प्रोग्राम है, आप लोग अपने हिसाब से हैंडल कीजिए, जो करना है कीजिए, जो सुना सुनाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सुनाइए। कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, जिस हृदय में गुरु का मरम नहीं। गुरु मरम वो विवेक में, दाता कोई भरम नहीं। गुरु को नमन कर निष्दिन भाई, गुरु है समत गन नदिया समय। गुरु बिना रहा कौन सत्य की बतावे, गुरु का दीपक तम घट का मिटावे। गुरु को ही जाओ और गुरु को ही पूजो, गुरु में ही गुरु गोविंद है, गुरु मेरे प्रमुख, गुरु में है भगवान, गुरु में है भगवंत दर्शन, गुरु जी के मंगलकारी। गुरु मुख चंद छवि लगती है प्यारी, गुरु की संगत से समझ आती, मन होता निर्मल कुंभ की है जाती। गुरु में ही मथुरा है, गुरु में है काशी, अमर गुरु और अविनाशी। गुरु जी की ज्ञाता है, गुरु में ही ज्ञानी, देते उपदेश है गुरु जी की दानी। गुरु जी के घर में है हरि का है वासा,
हरि से मिलने की है गुरु जी की आशा, गुरु की लगन मैंने मन में लगाई, गुरु में ही मथुरा है गुरु में ही काशी, अजर अमर गुरु और अविनाशी गुरुदेव, गुरु गुरु जी ने पर हित नर देहदारी, अपने गुरु पर जाओ तन मन वारी, मन में जो छाया मेरे गुरु जी ही दोवे दोवे, गुरु जी के वचन में उजला बहोवे, सागर में ही गुरु की है भैया, गुरु के वश में है दुख सुख सारे जगत में है, गुरु ही रखवाले जगत में रखवाले, गुरु को ही पूजो और गुरु को ही जाओ, गुरु को ही रिझाओ गुरु को ही मनाओ, संगत सारे भाग से भाग को जगावे, गुरु ही सच्ची भाई प्रीत है निभावे, गुरु में ही श्याद है गुरु में गंगा, जय गुरु जय। वाह 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 बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। रुचिका बेटा ने हैंडरेट किया, आपका स्वागत है मंच पे। मैं गुरुदेव के बारे में कुछ लाइनें कहना चाहती। जी जी सुनाइए सुनाइए। मेरे गुरुदेव है मान, करती हूँ इनका गुणगान, अमन चैन का लिए संदेश, आ गए मेरे गुरुदेव ईश, इनके चरणों में चारों धाम, करती हूँ बारंबार फरना, ध्यान जो लगाए इनका, मनोरथ पूरा हो जाए उनका, करते हैं सबका कल्याण, मेरे गुरुदेव है मान, मेरे गुरुदेव है मान। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई अपना टैलेंट लेकर आना चाहता है तो ठीक है, तो फिर हम जयकारा लगाएंगे और इस कार्यक्रम को गुरुदेव चरणों में समर्पित करेंगे। सबका हो गया बाबू जी? ठीक है। रुचिका बेटा आप जो लास्ट वाला लाइन आपने बोला था ना पिछले सप्ताह, वो आप लास्ट में बोलना, जो ऐड करने के लिए आपने बोला था। ठीक है, आप अपना माइक अनम्यूट। जैसे मैं हर हर कलकी घर घर कलकी करूंगा ना, उसके बाद आप अपनी दो लाइन बोलना, उसमें हम आपका साथ देंगे। ठीक है, चलिए सारे लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें, गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे हम। तो बोलिए गुरु सियाग की, कल की अवतार की, कल की अवतार की, गंगाई नाथ महाराज की, गुरुदेव सियाग की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर कल की, हर हर कल की। रुचिका बेटा आप अपना बोलो। विश्व व्यापी हो गुरुदेव से यही मिशन हमारा, सिद्ध योग महायोग है यही नारा हमारा। बहुत बढ़िया जय गुरु। फिर से आप दोहराए। विश्व व्यापी हो गुरुदेव से यही मिशन हमारा, सिद्ध योग महायोग से यही मिशन हमारा, सिद्ध योग महायोग है, सिद्ध योग महायोग है यही नारा हमारा, यही नारा हमारा। जय गुरुदेव सभी को।